गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो बच्चों मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है उसको समझा दे रही हूँ। डेट 27th of April 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास थर्ड और डे मंडे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डेज नेम एंड मंथ्स नेम। इसमें आपको डेज नेम लिखने हैं और मंथ्स नेम लिखने हैं। डेज नेम होते हैं बेटे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, वट एवर, और मंथ नेम होते हैं जनवरी, फेबररी, मार्च, वट एवर। तो आपको कैसे करने हैं कि पहले पेज पे तो पहला क्वेश्चन करना है और दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं करना कि आपको उसी पेज पे आप डेज नेम लिखेंगे, उसी पेज पे आप मंथ नेम लिखेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग। जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है और राइटिंग नीट एंड क्लीन ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूज ऑफ हैज़ हैव द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 1 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बच्चों 5 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 5 सेंटेंसेस में आपको किसका यूज़ करना है, आपको इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा दे रही हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पर हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ पर हैव का यूज़ करना है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, हैज़ का। किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। एंड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कहाँ पर आप हैज़ का यूज़ करेंगे और कहाँ पर आप हैव का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। इसमें आपको इंग्लिश से हिंदी बनानी है। ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 सेंटेंस की आपको क्या बनानी है बच्चों, इंग्लिश से हिंदी बनानी है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ, दीज आर ब्यूटीफुल फैंस। तो दीज मीन्स क्या होता है बच्चों, ये, आर मीन्स हैं, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और फैंस मीन्स क्या होते हैं, पंखे, यानी कि ये सुंदर पंखे हैं। दिस मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है वे, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। क्लियर हो रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इनकी क्या करेंगे, ये जो 5 सेंटेंस हैं इन 5 सेंटेंसेस की आप हिंदी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, हिंदी बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। इसमें ये नीचे जो 5 सेंटेंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 सेंटेंस की आपको क्या करनी है, हिंदी से इंग्लिश बनानी है। क्या बनानी है, हिंदी से इंग्लिश बनानी है। उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे दे रही हूँ कैसे और किस तरीके से बनाएंगे। तो आई के साथ में बच्चों हम किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे और आई की हिंदी क्या होती है, मैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को समझ लेते हैं। ही, ही मीन्स क्या होता है, वह, और शी मीन्स क्या होता है, वह। इन दोनों का मीन्स क्या होता है, वह होता है। लेकिन हम कहाँ पर हम ही और शी का यूज़ करेंगे वो मैं बता दे रही हूँ। ही, ही करते हैं हम मेल के लिए यूज़, जिसको कहते हैं हिंदी में पुल्लिंग। और शी, सी करते हैं फीमेल के लिए यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। यानी कि यहाँ पे बॉय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ही का, और गर्ल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शी का। इट, इट मीन्स क्या होता है बच्चों, यह। तो 2, 3 एंड 4, ये तीनों ये आए ना, तो इनकी जगह पे आप किसका यूज़ करेंगे, एच वी इसका यूज़ करेंगे। यानी कि एच मीन्स हेल्पिंग वर्ब, आप किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। 5, 6 एंड 7, वी, वी मीन्स क्या होता है, हम। यू, यू मीन्स तुम, और दे, दे मीन्स वे। ये तीनों ही किस में आते हैं, प्लूरल्स में आते हैं। किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो इनके साथ में बच्चों हम किसका यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आप क्या कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, कहाँ पर आर का यूज़ करेंगे और कहाँ पर एम का यूज़ करेंगे। द
तो ये फाइव सेंटेंस दे रखे हैं नीचे, मैं होशियार लड़का हूँ, सेकंड है वे सभी खिलाड़ी हैं, वट एवर। तो इन सब की क्या बनाएंगे आप, इन सब की आप इंग्लिश बनाएंगे। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये था आज का एक दिन का होमवर्क। थैंक यू।